हमारा गिफ्ट भी रेडी हो चुका है, और ये रही साड़ी जो कि हम दुल्हन को गिफ्ट करेंगे, और ये रहा मेरा लहंगा जो कि मैं आज वेयर करने वाली हूँ। तो इसके ब्लाउज व्लाउज स्टचिंग हो चुके हैं, और ये रही इसकी चुन्नी, तो जो कि मैं पहनने के बाद आपको मेरा फाइनल लुक दिखेगा। और यहाँ मैं सिर्फ मेकअप कराने के लिए बैठी हूँ ब्लाउज एंड लहंगा पहन के। तो सबसे पहले मेरे बालों का स्टेप बन रहा है, बालों का स्टेप बनने के बाद फिर मेकअप स्टार्ट होगा। तो ये बाल इतने ना, मतलब जब ठीक है उस समय तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब धोना पड़ा ना बालों को, जब शादी वादी बीत गया, तो इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी ना कि क्या ही बोलूँ। क्या ना इस समय ना बाल डैमेज हो जाते हैं, तो चलिए एक दिन डैमेज हो तो चलेगा, कुछ तो अलग लुक होना चाहिए ना। तो यहाँ देखिए हमारा मेकअप फाइनली डन होने वाला है। वैसे तो मैं पहले शुरुआत में ना, मुझे मेकअप उतना अच्छा लग नहीं रहा था खास, बट जब मेकअप डन हुआ ना, उसके बाद जब मेकअप निखर के आया तो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत मेकअप पसंद आया। शुरुआत में हालांकि मुझे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। निखर के आता है ना मेकअप, आधे एक घंटे के बाद ही मेकअप का पता चलता है कि हाँ एक्चुअली मेकअप कैसा हुआ है। तो यहाँ देखिए मेरा मेकअप डन होने वाला है, और आप लोग भी बताइएगा मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोग को। तो यहाँ फाइनली मैं कुछ रेडी होने वाली हूँ, रेडी क्या रेडी हो चुकी हूँ, बस थोड़ा सा टचअप बाकी रह गया, वही सब कर रही हूँ। यहाँ बाकी सब नंदो लोग भी तैयार होने के लिए बैठी हुई हैं, तो सब साथ में ही तैयार होकर जाने वाले थे, बट मेरे में ही इतना टाइम लग गया ना कि हम लोग, मैं और मेरी सासू माँ निकल चुके थे, बाद में सारी नंदे आराम से आई थी मेकअप वेकअप करा के। तो सबसे पहले मैं यहाँ अनिका को भी रेडी कर ले रही हूँ, क्योंकि इसको भी मैं अपने साथ में ही ले जाऊँगी। और यहाँ देखिए अनिका भी कितनी क्यूट लग रही है ना, यहाँ इसको थोड़ा सा मैं पाउडर काजल लिपस्टिक ये सारी चीज़ें लगा दी थी ना, तो बहुत सुंदर लग रही थी। जितने देर तक मैं मेकअप करा रही थी उतने देर तक अनिका सोई थी, तो ये सो के उठी है ना, इसलिए इसका चेहरा थोड़ा सा ऐसे उदास उदास सा लग रहा है, लेकिन ये भी थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। सो के उठने के बाद ना चेहरा उतर ही जाता है। तो यहाँ मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और अनिका भी रेडी हो चुकी है, और पीछे सासू माँ आप लोग को दिख रही हैं, तो वो भी, उनका भी डन हो चुका है एकदम, वो भी रेडी हो चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ से फटाफट निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा। मेरे मेकअप में ही थोड़ा सा टाइम लग गया था इस वजह से, तो हम टाइम से वहाँ पहुँच गए थे, हमारे पहुँचने के बाद ही बारात आई थी। गाइस वेलकम बैक माय चैनल, कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं काजल आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब अनिका फैमिली चैनल में। और बैकग्राउंड और मुझे देखकर आप सब पता लगा सकते हैं कि मैं आई हूँ शादी अटेंड करने, तो किसकी शादी है वो वीडियो के आगे आप लोगों को पता चलेगा, तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। मैं पहुंच गई हूँ दुल्हन के घर, और सबसे पहले मैं गई दुल्हन से मिलने, तो चलिए आप लोग को भी दुल्हन से मिलाती हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही थी। शादी वाले दिन दुल्हन वैसे भी सबसे प्यारी लगती है, सबसे अलग लगती है, मतलब सब कितना भी रेडी हो जाए ना, लेकिन जो दुल्हन का मेकअप और लुक होता है ना, वैसा किसी का नहीं हो पाता है भाई, दुल्हन तो दुल्हन होगी ना। तो ये रही हमारी दुल्हन, और आप लोग भी मिल लीजिए, बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लग रही है। वैसे तो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, और इनके साथ मैं भी एक दो फ़ोटो शूट करा रही हूँ। उसके बाद मैं आई थी बाहर, तो सोची कि जो भी बाहर की क्लिप है आप लोग को दिखाया जाए, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था, सबके बैठने के लिए बहुत अच्छी सी सुविधा थी, और डेकोरेशन भी मुझे अच्छा लगा। ज़्यादा ताम झाम वाला ना मुझे पसंद नहीं आता, एक होता है ना स्टेज मतलब फूलों से गुब्बारों से सजाए जाते हैं, तो वो वाला मुझे अच्छा नहीं लगता है, और इसमें ना वीडियो की क्लियरिटी फ़ोटो की क्लियरिटी अच्छी नहीं आती है, तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अट्रैक्ट किया मुझे। तो ये देखिए सामने से कुछ ऐसा लुक रहा, और मैं भी आ रही थी, सोची कि क्यों नहीं एक दो वीडियो, अभी दुल्हन की एंट्री नहीं हुई थी, तो इसलिए हम सोचे जितना भी फ़ोटो शूट करना है, जितना वीडियो बनाना है हम लोग बना ले। तो स्टेज पे जाके मैं और राज भी एक दो फ़ोटो निकलवाए थे, क्योंकि अभी दुल्हन की एंट्री में टाइम था, तो हम लोग सोचे तब तक हम लोग अपनी मेमोरी के लिए ये कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ बारात आ चुकी है दरवाजे पर, तो सब लोग जा रहे हैं वेलकम करने, और जो लोग समधी होते हैं वो गले मिलते हैं, गले मिल के एक दूसरे का वेलकम करते हैं।
कपड़ा पहनाकर एक दूसरे का वेलकम किया जाएगा। तो ये है मेन गेट, और मेन गेट पे हमारे यहाँ ये रस्म होती है, इससे ना स्पेशल फील किया जाता है, कराया जाता है। यहाँ कर ले रहे हैं हम लोग डिनर, और लगी थी तो जोरों की भूख, क्योंकि 10 से 11 बज चुके थे। तो हम लोग सोचे क्यों ना सबसे पहले डिनर कर लिया जाए, और अनिका भी आई थी तो उसको भी साथ में डिनर करा दी थी मैं। और उसके बाद यहाँ दूल्हे को लेकर जाया जा रहा है स्टेज पे। तो ये है दुल्हन के भाई, जो कि दूल्हा को स्पेशल फील करा रहे हैं कि हम लोग गोद में उठा के ऐसा ले जा रहे हैं। तो होता ना एक दुल्हन स्टेज पर आ चुके हैं और स्टार्ट हो चुकी है जयमाला सेरेमनी। तो यहाँ जयमाला कुछ इस तरीके से पड़ी थी, एक दूसरे को गोद में उठा के। सबसे पहले तो दूल्हे को उठाए थे, तो दुल्हन क्या की थी, चुपचाप बैठ गई थी, वो भी बेचारी क्या कर सकती थी। तो इसलिए फिर दुल्हन के भाई लोग आए, दुल्हन को भी उठाया। तो
गाइस, तो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, क्योंकि एक ही ब्लॉग में सब कुछ पॉसिबल नहीं है, कन्यादान, सिंदूरदान, विदाई, शादी, तो इसलिए पार्ट सेकंड आएगा इसका, तो आप लोग देखना भूलिएगा मत, ज़रूर देखिएगा, तो वो भी बहुत जल्द आने वाला है। और ये वीडियो आप लोग का ब्लॉग कैसा लगा, तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट पार्ट टू में, तो आप लोग इंतज़ार करिएगा, वो बहुत जल्द आने वाला है। तो बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।